गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है 14 अगस्त और भैया आए हैं मेरी तीज की डलिया देने। और तो पहले ऊपर नहीं आ रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि शीतल नीचे ही आ जाओ, मैं यहीं से देख के ऑफिस निकल जाऊँगा। बट नकुल ने माना नहीं, इनको ऊपर ही बुला लिया। बड़े मुश्किलों से ही ऊपर आए, वरने यहीं से सामान निकाल के मुझे देख के जा रहे थे। तो यहाँ बस अभी ये सामान निकलवा के मैं ऊपर ले जाऊंगी भाई को। उसे बोल के जाना पड़ता है, वो बड़ी हार नहीं है। और ये ना कि सर थोड़ा सा ना वो कुछ काम ही ना बता रहा है। सही है, फिर तो भाई पास में बैठे ना, तो फिर देखो आ गए ना, भीड़ मिलेगी बाकी जगह। आने साथ मैं तो वैसे भी लेकर आ रहा हूं। नकुल कुछ नकुल सॉक्स है अंदर, नितिन आगे सॉक्स होंगे देखना अंदर। अभी दोनों जा रहे हो ऑफिस। ईयू की शादी वाले आए, खराब है गाड़ी, मैं स्टेशन मार रहा हूं। गाड़ी अंदर खड़ी कर दो भाई। हां हां, मैं चाबी अभी शीतल को कर दूंगा। मैं नीचे ही आ रही हूं। आंटी हॉल में लग गया कि पहुंचे? चप्पल इधर रख देना बाहर। बाय कर दो मामा को, कर बाय कर। ठीक है भाई, मामा गए, मामा गए, गए गए। सो गाइज, आज है मंडे और अभी बज रहे हैं 9:30 हो रहे हैं, आई थिंक 9:30 ही हो रहे हैं। और आज भैया आए थे, मेरे बड़े भैया हैं नितिन भैया, वो आए थे डलिया देने। जो हमारी यूपी साइड में हो जाए, जो तीज आते हैं ना, तो लड़कियों को डलिया आती है मायके से, जिसमें जय नमस्ते करो, नमस्ते करो, पहले पहले नमस्ते करो, जय करो सबको, नमस्ते करो, नमस्ते तो कर बेटे, नमस्ते करो, जय करो, पहले जय करो, जय कर, जय कर दो, जय कर दो, पहले जय कर, पहले जय कर, तब दूंगी, पहले जय करो उधर, वेरी गुड। बोलो सबको नमस्ते। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई सौंफ खानी, पहले इसको दे देती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। तो मैं सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ उठ के, और अब मंडे था तो पूजा करनी थी, मैंने सोचा मंदिर जाऊंगी, लेकिन भैया आ गए, फिर आंटी भी आज जल्दी आ गई थी काम करने के लिए, अदरवाइज 10:30 या 10:15 के आसपास आती है, और आंटी आ गई 9 बजे, आई थिंक 8:45 आई थी, और तभी भैया आ गए थे पीछे से। सो मैं वो क्लिप डाल दूंगी। और अभी चले गए वो ऑफिस, आज 14 अगस्त, कल 15 अगस्त है, उनका ऑफ है, तो अभी वो साथ में ऑफिस गए हैं, भैया की बाइक नीचे ही खड़ी है, तो शाम को आएंगे, वो जाएंगे दोबारा घर, मतलब गांव, यहीं से निकल जाएंगे और नकुल के साथ जल्दी आ जाएंगे। वैसे उनकी 6 बजे छुट्टी होती है, नकुल के साथ 5:30 आ जाएंगे, तो खाना पीना खा के निकल जाएंगे, और भाभी वगैरह भी घर आई हैं, तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे बच्चों के साथ। तो बस यही था मेरा काम, किचन नहीं हुई है अभी, ऐसे ही मतलब मुझे बर्तन वर्तन लगाने, आंटी करके चली गई है बर्तन वर्तन साफ, तो और बस थोड़ी इसने जो फैला दिया है पीछे, आंटी करके गई है, ये भी आंटी ने अभी करके गई थी, इसने पूरा फैला दिया है, फ्री हो गई है, और आज है मेरा फास्ट। तो बस कुछ नहीं है, दिखा दी डलिया में क्या क्या आया घर से, ठीक है, बाय। सो हेलो गाइस, अभी हो रहे हैं शाम के 5 बज चुके हैं। सो मैं बना रही हूँ मटर पनीर और पूड़ियाँ, क्योंकि भैया आए हुए हैं और वो ड्यूटी से डायरेक्ट घर आएंगे नकुल के साथ, और बाइक भी नीचे, यहाँ से निकलेंगे गांव,
सो अब डलिया लेके आए तो मैंने सोचा बना लेती। वैसे नकुल को तो मना किया हुआ डॉक्टर ने ऑयली वगैरह खाने का। सो बस भैया आए हुए तो मैं जल्दी बना रही, क्योंकि वो खा के निकलेंगे फटाफट, लेट हो जाएंगे वो, 6:30 तक तो आएंगे और मुझे एक घंटा तो एटलीस्ट खाना तैयार करने में लग ही जाएगा, 5 बज चुके हैं। सो अभी मैं कर रही हूँ मसाला तैयार, ठीक है, सारे प्याज और टमाटर वगैरह मैं ग्राइंड करके उसके बाद स्टार्ट करूँगी अपना पनीर बनाना। सो बस दिखाती हूँ आपको। वैसे मेरा पूरा ये काम फैला पड़ा है क्योंकि मैं लग चुकी हूँ अपने काम पे, क्योंकि भैया आएंगे, मैं नहीं चाहती कि लेट हो और खाना खा के ना जाए, इसलिए मैं तैयारी करती हूँ पहले से ही, चाय बनाऊंगी बाद में। सो बस स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह पीस लिए और मैं कर रही हूँ मटर पनीर बनाने की तैयारी, मतलब बना ही रही हूँ, और साथ साथ में पुचकी को भी देख रही हूँ क्योंकि वो भी उधर ही खेल रही थी, सो के उठ चुकी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसको मैंने पास में बिठा ली क्योंकि सो के उठी थी तो ज़्यादा वो करती है, एकदम से अकेली नहीं रहती है, तो मैं उसके आसपास दिखनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बना रही सब्जी और उसको भी साथ में बिठा लिया, लेकिन बैठने के बाद भी एक जगह टिक नहीं सकती है, कभी इधर आ रही है कभी उधर आ रही है, तो मुझे लग रहा था डर कहीं जल जला ना जाए और फालतू में पता चले कि काम जल्दी करने के चक्कर में लड़की जल जाए, नुकसान हो जाए, तो मैंने इसको वापस वहीं भी नीचे उतार दूँगी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे, तो मैंने इसको और साथ के साथ जो भी बर्तन होते हैं शाम को मैं बिल्कुल छोड़ती नहीं हूँ, जो भी ज़्यादा होता नहीं है, खैर बर्तन तो मैं साथ के साथ साफ़ करके रखती रहती हूँ जो भी होता है, क्योंकि मुझे ऐसे फैली हुई किचन बिल्कुल पसंद नहीं आती, मैं तो खुली हुई है तो वैसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक भी बर्तन मुझे ऐसे दिखाई दे रखा हुआ, तो जैसे ही जो जिस बर्तन का काम नहीं होता मैं वैसे ही फटाफट साफ़ करके रख देती हूँ उस बर्तन को, तो मेरी एक आदत है कि मैं मुझे स्लैब पर बिल्कुल भी थोड़ी सी भी बर्तन या फिर कोई गंदगी अच्छी नहीं लगती दिखने में। मेरी इसमें पनीर डालने की देरी है, मसाला पक जाएगा और अभी हो गए हैं 6:45 हो चुके हैं, आ जाएंगे बस 6:30 तक आ जाएंगे, मेरा ऑलमोस्ट काम तैयार, आटा गूंद दिया मैंने और बस मसाला पक जाए उसके बाद पनीर डाल दूंगी और हो गया है सारा काम, क्योंकि ये है ना कि भैया लेट हो जाएंगे, उन्हें वहाँ पे भी निकलना है घर के लिए भी, तो मैं नहीं चाहती कि लेट हों, वो मुझे पता है वो रुकने वाले नहीं है, सिर्फ कहते 15-20 मिनट रुकूंगा उससे ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने पहले सब कुछ तैयारी कर दी है और कुछ को दिखाती हूँ उसने क्या हाल कर रखा, मैं खाना बनाना ये देखो अपनी कपड़े सारा ये और वो चेयर ये फैला कर दिया इसने इतनी देर में, ट्राई करूँगी, मिलती हूँ आपसे उसके बाद, ठीक है। I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday. मेरा हो गया काम ऑलमोस्ट सब फिनिश, बस वो आएंगे, खाना बनाने की देर है, वो तो मैं 10-15 मिनट कर दूंगी तैयार। सो अभी मैं बैठ जाती हूँ
तसल्ली के साथ मैं फ्री होकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन थी कहीं आना जाए। अभी 6 बज चुके हैं, आएंगे 6:30 तक, आधे घंटा बैठती हूँ तब तक, और इसको देखो, देख लेती हूँ इसको भी दूध वूध कुछ की। नो नो, 10 का 1। सो गाइस, मेरी पूड़ी उड़ी बन चुकी है और भैया खा रहे हैं उधर, ये सर्व कर रहे हैं भैया, देख गदट्टू। ये खा रहे हैं, मैं पीछे से बना रही हूँ। कौन जी तापति लंग में जाके, हाँ आन मस्जिद में घूमने जा रहे हैं हमने ना। ठीक है भैया, नमस्ते, पहुंच के फोन कर देना। अभी चले गए भैया घर और टाइम हो रहा है कितना, हो 7 बज चुके हैं, खा पी के चले गए और रात को पहुंचेंगे, 9:30 तक पहुंचेंगे हम। हाँ, सो अभी मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट था मंडे का, तो मैं भी खाना खा लेती जो बन गया है तो भैया के उसमें, तो खाना वाना खा के मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। और भैया लाए थे डलिया, मैं दिखाऊंगी डलिया में क्या क्या आता है हमारे। डलिया होता है यूपी साइड के जो होंगे उनको पता है डलिया क्या होता है, और जी का क्योंकि डलिया आई है, ये हमारी मेरी डलिया आई है, मैं दिखाती हूँ गाइस, ये डलिया आई है तो दिखाऊंगी इसमें क्या आया है आपको बाद में, खाना वाना खाने के बाद फुर्सत से। और कान्हा जी ने भी खा लिया खाना, सो मिला था। क्या करिए, ओ बंद कर, इसने पता क्या करा है, उस चेयर की ना सारी रुई निकाल दी है। कोई बात नहीं, काहे रुई सही, मैंने घुसाई है, मेरे नेल टूटने से बच गया। जाल पे पायदान से कर दो, धुलेगा वैसे भी। बेटू नो, आओ खाना खाएंगे चलो। पता ऐसी चलती रहती है, मैं भूख लग रही बड़ी जोर से, मैं खा लेती हूँ खाना, उसके बाद आपको दिखाऊंगी डलिया में डलिया आई है क्या क्या। आई मेरी दी की आई है, दी की जाएगी यहाँ से बाद में, फिलहाल मैं अपनी दिखा दूंगी आपको, ठीक है। हाँ बताओ क्या कहना चाह रही है तुम, जलती क्यों नहीं है, रुको आप बोलो। ये है हमारी मेरी डलिया, आइए घर से, ये है इसमें मीठी, ये इसमें मीठी पपड़ी बोलते हैं हमारे यूपी, मीठी मट्ठी पपड़ी बोलते हैं हमारे इधर, और ये नमकीन वाली है, ठीक है। और ये उसमें भी वही है, और ये घेवर है, ये काले चरण का फेमस घेवर है बुलंदशहर का, जो ये बुलंदशहर से है ना वो काले चरण का जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे मम्मी को देने, और कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। अरे काले चरण का बच्चा देखा था,
कैंसिल थे लगा लगा के गान वाले करते गए थे।